अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे मूंग की दाल। इसके लिए सबसे पहले हमने मूंग दाल को भिगा कर रख लिया था, अब इसको बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें तेल डाल दिया है। तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे और हरी मिर्ची भी डाल देंगे। इसको चला लेंगे। प्याज का कलर जब थोड़ा चेंज हो जाए तो इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर भून जाने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, गरम मसाला, मसाले अच्छे से भून जाए और तेल अलग हो जाए। आप देख सकते हैं मसाले में तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें दाल डाल देंगे जो हमने पहले से भिगा कर रखी थी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हम इसमें पानी डालेंगे दाल गलने के लिए। और पानी डालेंगे क्योंकि दाल एकदम सूखी नहीं होती है, इसमें थोड़ा सा पानी रहता है, इसीलिए इसको चला के थोड़ा मैश कर लेंगे और थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे जब तक हमें डिजायर कंसिस्टेंसी ना मिल जाए। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, इसको भी मिक्स कर लेंगे। हमारी दाल यहाँ पे तैयार है। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक तड़का पैन लेंगे, उसमें तेल और जीरा डाल देंगे। इसके बाद हरी मिर्च, लाल मिर्ची डाल देंगे सूखी हुई, हींग डाल देंगे, डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर और तड़के को दाल में ऐड कर देंगे और ढक्कन ढक देंगे। हमारी दाल सर्व करने के लिए रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।